शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए जनता से आग्रह किया है कि वो सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लिया गया ये फैसला जनता के हित में है। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान कोई भी भूखा न मरे और सभी तक जरूरी चीजें पहुंचे, इस बात का प्रदेश सरकार द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, कल रात को प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार जो है राष्ट्र को संबोधित किया है। ये देशव्यापी नहीं है, विश्वव्यापी जो है महामारी है। इसमें बहुत बड़े बड़े एडवांस्ड जो कंट्रीज हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनके जो है कोरोना से इफेक्ट हुए हैं लोग, और बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पर जो है कैजुअल्टीज भी हुई हैं। हिंदुस्तान में भी आप देख रहे हैं कि कोरोना से संबंधित जो हैं वो मामले आजकल जो है 3-4 दिन में ज़्यादा बढ़े हैं, और इसका एकमात्र जो सलूशन है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। आप घर में रहें। प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया सारी दुनिया से। हिमाचल प्रदेश में हमने 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू लगा था उसे एक्सटेंड करके 7 बजे 23 तारीख तक जो है वो एक्सटेंड किया था। वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा जी। और उसके बाद लॉकडाउन किया था सारा प्रदेश, लेकिन लॉकडाउन जो है वो लोगों ने पालन नहीं किया उसका, इस कारण से जो है वो कर्फ्यू लगाना पड़ा। क्योंकि एक मरीज जो फॉरेन से आया था, अमेरिका से आया था, उसने अपना एड्रेस मजनू का टीला दिल्ली दिया हुआ था, लेकिन वहाँ से वो सीधा धर्मशाला पहुँच गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो है स्थिति बहुत अलार्मिंग हो गई। इसलिए प्रदेश में कर्फ्यू जो है वो इम्पोज करना पड़ा है। अब कर्फ्यू का अर्थ है कि इसको फिर सख्ती से जो है वो लागू किया जाएगा, और ये कर्फ्यू किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। आज तक जितने भी कर्फ्यू लगे होंगे उससे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट इसका पर्पस है और डिफरेंट तौर तरीका है इसका। ये आम जनता की भलाई के लिए है। इस दृष्टि से प्रदेश में जो कर्फ्यू लगाया गया है, सभी जिलों में कर्फ्यू इम्पोज है। इसमें जो है वो घर में रहें लोग, बाहर ना निकलें सभी लोग, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, पुलिस के हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी डिस्टेंस बना करके रहें, इकट्ठी भीड़ ना करें। इसलिए जो है वो सारे बाजार इत्यादि जो बंद किए हैं, और इसमें हमको एसेंशियल सर्विसेज भी कई जगह बंद करनी पड़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी सब्जी इत्यादि के कारण। अब जो है इसको जो ऑफिसर्स हैं वो इसको बाकायदा मेंटेन करेंगे, कब सब्जियाँ जो हैं वो मिलेंगी, कब दूध जो है वो आएगा, कब गैस मिलेगी, कब दूसरी चीज़ें जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो मिलेंगी। इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एग्जेम्प्ट है, जो टेक्निकल स्टाफ है उनका। इसमें म्यूनिसिपल सर्विसेज जो है वो आपको अवेलेबल होती रहेंगी। इसमें आपके जो है वो हेल्थ सर्विसेज जो है वो सारी ओपन है। तो इस दृष्टि से आज जो है वो इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि और थोड़ा इसको जो है ज़्यादा सख्ती से जो है इम्पोज करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि लोगों को एसेंशियल सप्लाईज ना मिले। हम इंश्योर करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो मिलती रहें, दूध है, सब्जी है, ब्रेड है, या इस तरह की जो मतलब कोई भूखा ना मरे। ये ठाकुर जयराम जी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो है वो रिजॉल्व है कि हर एक व्यक्ति को जो है वो अन्न मिले, जो जरूरी चीज़ है वो भी प्राप्त हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से अपने घर में ही रहें। सर, एक मामला है DDU को आइसोलेशन वार्ड में एक उसमें किया गया है, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशल जो डॉक्टर हैं वो नहीं। आपने ये बताया, ध्यान में लाया है, इसका जो है वो व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आइसोलेशन के लिए जो स्टाफ है वो बिल्कुल अलग है वहाँ पर। नहीं सर, कोई अगर डॉक्टर जो है, नहीं मैं गया हूँ वहाँ पर, मैं तीनों हॉस्पिटल्स में जो है स्वयं गया हूँ, उसके लिए बाकायदा उनका जो है वो PPG जो होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर है, उसको पहन करके वो अंदर जाते हैं, और जब बाहर आ जाते हैं तो अलग होता है। लेकिन अगर इसमें जो है आवश्यकता हुई तो हम आज जो है उसको रिव्यू करेंगे, और मेडिकल जो यहाँ के CMO है, MS है, उनको बुला करके जो है वो डेडिकेटेड
लोग जो फ्लू से संबंधित और आइसोलेशन से संबंधित हैं वो अलग से रहें, बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको अलग से देखें। वैसे तो कोशिश की गई है कि बाकी पेशेंट्स एमरजेंसी में ही आएँ हॉस्पिटल में, क्योंकि DDO, KNH और IGMC तीनों इंटर रिलेटेड हैं। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो आइसोलेशन वार्ड नीचे DDO में है उसे IGMC शिफ्ट कर किया जाए, OPD की व्यवस्था फॉर द टाइम बीइंग ऐसा नहीं होगा, क्योंकि IGMC में जो इलाज होना है जिसका टेस्ट पॉजिटिव हो गया उसको वहां पर जो है शिफ्ट किया जाएगा। वो टोटल डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड है जिसका पॉजिटिव आएगा, जो सस्पेक्टेड हैं, सिम्प्टोमेटिक हैं, उनको DDU में रखा जाएगा, और जो KNH है वहाँ पर सिर्फ लेबर से डिलीवरी से संबंधित जो है वहाँ टोटली काइनी इत्यादि के पेशेंट अलग कर दिए हैं, लेबर के अलग कर दिए हैं। वहाँ जिसको ये पाया जाएगा कि उसको शायद इसके सिम्टम्स भी हैं उनको वहाँ सिर्फ एक बेड रखा है, अगर वो सिम्टम पाए जाते हैं तो उनको IGMC भेजा जाएगा, वहाँ सिर्फ डिलीवरी के ही पेशेंट्स रहेंगे। अगर इसमें और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम बहुत सारे अल्टरनेटिव भी इस बारे में जो है विचार कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी रिक्विजिशन किया जा सकता है आइसोलेशन के लिए, हम प्राइवेट बिल्डिंग्स, प्राइवेट होटल्स को बीच में रिक्विजिशन कर सकते हैं। ऐसी इवेंचुअलिटी अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये सब कुछ जो है डेडिकेटेड हमने परिमहल में जो है वो वार्ड बना रखा है इसका, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है उसमें भी जो है वो सारी व्यवस्था की गई है, और भी आवश्यकता पड़े तो ऐसे जो है वो हम कोशिश करें। जो आप घर में रहें और आज के दिन मुख्य जितने भी हमारे बाजार थे वो सारे हमने बंद रखे थे, उसका उद्देश्य ये था कि भी लोग घरों से बाहर ना निकलें। अब जो ढील है वो कल दी जाएगी कर्फ्यू में, और वो सवेरे 8 बजे से 3 घंटे के लिए वो ढील होगी। 8 से 11 बजे तक जो है कर्फ्यू में रिलैक्सेशन होगी, पर वो रिलैक्सेशन सिर्फ इसलिए कि आप जो अपना निकटतम आपका बाज़ार है वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की हमारे दुकानें हैं उनको कल खुला रखा जाएगा। वहाँ पर दूध की सप्लाई होगी, डबल रोटी की होगी, बटर की होगी, जितनी आपकी किराने की दुकानें हैं उस लोकेलिटी की उनको भी जो है खुला रखा जाएगा। उसी प्रकार जो संबंधित वहाँ के केमिस्ट हैं उस बाज़ार में वो भी खुले रहेंगे। मेरा आग्रह सबसे यही रहेगा कि जब आप जाते हैं, 3 घंटे का जो विंडो है काफ़ी उसमें समय है आपको खरीदारी करने के लिए, आप जो है स्टैगर होके जाएं, यानी कि सारे जो लोग हैं वो 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 3 घंटे का उसमें समय दिया गया है जो काफ़ी उचित समय है। वहाँ पर जब आप दुकानों पे भी जाते हैं आपको दुकान के अंदर नहीं आप घुसें, वो मेरा आपसे आग्रह रहेगा। जब आप खरीदारी भी करते हैं तो वहाँ पर भी जो है सेफ आप अपना डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस जो है 1 मीटर मिनिमम जो है आपको जो है एक दूसरे से रखना है, क्योंकि जैसा मैं हर समय यही कह रहा हूँ कि ये कर्फ्यू जो लगाया गया कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए नहीं लगाया गया है, ये सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि एक जो है मेडिकल अवस्था ऐसी जो है उत्पन्न हो गई है कि हमें एक दूसरे से जो है डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अगर COVID-19 वायरस जो है उससे हमारे को अपना बचाव करना है। तो कल जब दुकानें खुलेंगी भी मैं पुनः आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप जो है एक सेफ डिस्टेंस अपने मेंटेन करके रखें। आज मेरी मीटिंग हो गई थी जो सब्ज़ी के रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, और जो आढ़ती एसोसिएशन के सब्ज़ी मंडी के उनसे मेरी बैठक हुई थी, दूध के जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनसे मेरी बैठक हो गई थी, साथ ही साथ करियाने के जो होलसेलर्स हैं उनसे मेरी जो है हमने बैठक आज की है। नियमित रूप से जो है कल 8 बजे दूध की सप्लाई जो है कर दी जाएगी, सब्ज़ी जो है क्योंकि वो सब्ज़ी मंडी से विभिन्न जो लोकेशन है वहाँ पर जाएगी, तो लगभग 8:30-9 बजे तक जो है सब्ज़ियाँ भी जो है जितने भी हमारे सबर्ब्स हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगी। कुछ जगह से ये शिकायत आ रही है जैसे दूध जिन्होंने लगा रखा है दूधी से वो नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उनको रोक दिया गया है, तो बच्चे किसके जो छोटे हैं कहते हमारे को दूध नहीं लगा, तो उस पर क्या है? देखिए अब जब पता है सबको कि कर्फ्यू लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है कर्फ्यू, ताकि आपका जो है ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो है आपस में बहुत कम रहे। अगर आप बोलें कि जी हर रोज़ उनको आने दिया जाएगा ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, और ये लोगों के लिए भी उचित नहीं है कि आप जो है बाहर से कोई आ रहा है। मेरे को ये भी आज रिक्वेस्ट आती रही है कि जी अन्य ज़िलों से जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर आने दिया जाए। थोड़ा सा इसमें जो है हम सबको सचेत रहना है, हम सबको जो है अपने अंदर से एक भावना आनी है कि अगर इस
बीमारी को हमने रोकना है तो ज़्यादा हम इंसिस्ट ना करें कि जी हमारे को उधर जाने दिया जाए, हमारे को वहाँ जाने की परमिशन दे दी जाए। आज मैंने ये परमिशन दी है, परमिशन आप तब लीजिए जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक इमरजेंसी आपके घर में होगी, आप वहाँ पहुँचना आपका बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है। किसी के डेथ हो गई है उसी समय हम जो है उनको पास बनवा के दे रहे हैं, परमिट बनवा के दे रहे हैं, उनके लिए हम व्यवस्था भी कर रहे हैं कि गाड़ी का इंतजाम उनके लिए हम कर रहे हैं कि उनको वो जो है अपने घर पहुँच पाए। इसी प्रकार से मैं सबसे अनुरोध ये करूँगा, अगर कोई ऐसी बहुत ज़रूरी नहीं है, कोई इमरजेंट सिचुएशन नहीं है आपको अपने घर जाने की, कृपया करके जो है थोड़ा सा इसको आप टाल दें, ये आप ही के लिए जो है आप ही की भलाई के लिए जो है ये कदम उठाया गया। आगे से सर दूध की सप्लाई रोज हुआ करेगी, जैसे आज दूध नहीं आया? देखिए मेरी जो दूध विक्रेता जो होलसेलर से दूध के उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा है कि जी हम डेली करेंगे, परंतु क्योंकि 40% दूध की सप्लाई होटल्स और रेस्टोरेंट्स की थी, अब क्योंकि होटल्स और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं तो इतनी सप्लाई की आवश्यकताएं शहर में नहीं है। तो कल भी जो है हमने डबल मात्रा में दूध मंगवाया है, आप खरीदारी करिए, अगर कमी हमें लगती है तो नियमित रूप से हर रोज जो है हम सप्लाई इसकी करवाएंगे, परंतु अगर ऐसी आवश्यकता में प्रतीत नहीं होती तो हर ऑल्टरनेट डे पे जो है दूध की सप्लाई की जाएगी। कल जो है हम इस पर एक निर्णय एक फैसला हम इस पर ले लेंगे। सर डेली ढील दी जाएगी या गैप गैप में रहेगा, एक दिन बंद रहेगा? कल उसका हम निर्णय ले लेंगे, परंतु अगर हर रोज की भी आवश्यकता है तो वो कर दी जाएगी। परंतु साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आप कृपया करके ना सोचिए कि कल ही के दिन खुलना है, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, हम कल निर्णय उस पर ले लेंगे। अगर परसों नहीं खुल रहा है क्योंकि वो क्योंकि इतनी डिमांड है नहीं अब शहर में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, इतनी डिमांड नहीं है, वरना परसों भी हम उसकी सप्लाई करवाएंगे, अन्यथा उससे अगले दिन ऑल्टरनेट डे पे करवाएंगे। परंतु ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम रोज भी करवा सकते हैं और ऑल्टरनेट डे पे भी करवा सकते हैं, वो निर्णय हम कर लेंगे। सारे नज़दीकी दुकानों में ही खरीदारी करेंगे कि इधर उधर आने की भी? देखिए मैं जो जैसे मैंने अभी आपको बताया इस कर्फ्यू का उद्देश्य क्या है, इस कर्फ्यू का उद्देश्य क्योंकि एक मेडिकल अवस्था जो ऐसी उत्पन्न हुई है उसके लिए हमने लगाया है ताकि मिनिमम ह्यूमन कॉन्टैक्ट रहे। तो जब आपने दुकान हम हर लोकेलिटी में जो है कल दुकान खुलवा रहे हैं, आपकी जो निकटतम दुकान है वहाँ पर जाके आप खरीदारी करिए, ये नहीं कि जो संजौली का कोई कस्टमर है वो कहे कि नहीं मैं तो छोटे शिमले जाके खरीदूंगा, संजौली की दुकानें खुली होंगी आप वहाँ पर खरीदारी करिए। उसी प्रकार से कसुमटी का अगर कोई ग्राहक है वो इंसिस्ट नहीं करे कि जी मैं जो है छोटे शिमले ही जाके करूँगा, जो जो आपकी लोकेलिटीज़ की दुकान है वहाँ पर आप चेज करिए, और इसमें जो है आप अपनी ट्रांसपोर्ट कृपया करके ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि आपके जो जितने लोकल एरियाज हैं जैसे बालूगंज का भी है तो आपको बालूगंज में खरीदना, वहीं पर सारे घर हैं वहीं पर आप आए, ये नहीं कि आप गाड़ियाँ लेके चलना शुरू करते, वो हम इनकरेज नहीं करें। कोई रेट ज़्यादा लेता है तो इसके लिए कोई नंबर उसकी जो आप जो भी ग्राहक ऐसा फील करता है वो मेरे को सूचित कर सकता है। परंतु साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा हर लोकेलिटी के लिए हमने जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी है, वो वहाँ पर घूमेंगे देखेंगे कि ठीक तरीके से सप्लाई हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग आप सब मेंटेन कर रहे हैं और कोई ओवरचार्ज तो नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।